प्रचार ऊहागा नु प्रश्न अड़ते भाई अभी तक जो भी कुछ किए कांग्रेस ने किए 4% रिजर्वेशन हमें नहीं दिए, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन हमें नहीं दिए, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट 51 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस हम लोग दिए तो 40 बंद हो चुके हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा मैं मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 1989 एक यूथ कांग्रेस के वर्कर को कामारेड्डी टिकट देकर जितवाए, वहीं पर उनको 30 साल लड़का को हम मंत्री बनाए हमारे चन्नारेड्डी के कैबिनेट में, उनका नाम है मोहम्मद अली शबीर। तब से आज तक 40 साल से वो कार्यकर्ताओं के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे काम किए, मुसलमानों का निशान है वो। 2004 में जो फ्री पावर दिए उनका दस्तखत से हुए, ऐसे नेता को हराने के लिए चंद्रशेखर राव वहां चुनाव लड़ रहा है, उनको मदद दे रहा असदुद्दीन ओवैसी। मैं एक सवाल सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी मेरा अच्छा दोस्त है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं जिम्मेदारी से, जब राजा सिंह गोसा महल में इतना माइनॉरिटी के खिलाफ गाली दे रहे, ओवैसी परिवार के खिलाफ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, गंदे गंदे गाली दे रहे, ना आप चुनाव नहीं लड़ते उनके खिलाफ, ना आपके दोस्त भी गोसा महल में चुनाव नहीं लड़ता है। जब राजा सिंह को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, जो मुसलमानों का इज्जत बेइज्जत कर रहे, उन्हों मुसलमानों को गाली देके देके वो जेल को गया, वो आदमी जहां पर एमएलए है वहां पर दरसलाम है, जहां पर दरसलाम है एमआईएम का ऑफिस वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां पर आपके दोस्त केसीआर को चुनाव नहीं लड़वा रहा है। एक माइनॉरिटी नेता हम बड़ा किए, वो नेता को हराने के लिए आप और आपके दोस्त वहां पर चुनाव लड़ रहे। ये इसके बारे में असदुद्दीन कामारेड्डी में एक माइनॉरिटी को चिताने के लिए बोलेगा, या नहीं तो माइनॉरिटी को हराने के लिए छोर जैसा आदमी केसीआर को मदद करेंगे? मैं सवाल कर रहा हूं, अगर आप माइनॉरिटी भला के लिए अगर जिम्मेदारी उठाना है तो राजा सिंह को क्यों छोड़ दे रहा है? दारसलाम ऑफिस आते हैं गोसा महल में, जहां पर आपका हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह का योगी आदित्यनाथ का खास आदमी राजा सिंह है, राजा सिंह के खिलाफ आप नहीं लड़ते, आपके दोस्त को नहीं लड़वाते, जहां पर कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी के लिए कोशिश की है तो उनको हरवाने के लिए काम कर रहे हैं, किसका जिम्मेदारी उठा रहा है असदुद्दीन ओवैसी? कौन सी माइनॉरिटी के लिए एमआईएम काम कर रहे हैं? किसका दुश्मन है वो? राजा सिंह किसका दोस्त है? राजा सिंह को मैदान इतना साफ क्यों छोड़ दिए? अगर आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो आपके दोस्त चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री को गोसा महल से लड़वा दो, आप और चंद्रशेखर राव दोनों मिलकर राजा सिंह को हरवा दो, मगर नहीं करते तुम, क्यों? मोदी आपको परमिशन देना, अमित शाह आपको मदद करना, अमित शाह मोदी के इशारों पर काम करने वाले के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, मगर उसका असली नियत तो बोलना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अभी नॉमिनेशन का शुरू नहीं हुए, मैं असदुद्दीन ओवैसी से केसीआर को लाओ, गोसा महल से लड़वा दो, राजा सिंह को हराने के लिए आप कोशिश करो, नहीं तो आप मुसलमानों का दुश्मन है, या नहीं आप चलो कामारेड्डी माइनॉरिटी नेता माइनॉरिटी रिजर्वेशन जो लाया माइनॉरिटियों के लिए, आज हमारा डिक्लेरेशन के लिए जो मेहनत कर रहा है शब्बीर अली को जिताने के लिए, आप वहां बयान देना कामारेड्डी में। मैं सवाल कर रहा हूं कामारेड्डी आओ, माइनॉरिटी को जिताना है हराना है आप बयान दो वहां पर, आपका नियत साफ हो जाएंगे,
दूसरी बात, गोसा महल में तुम्हारे दोस्त को चुनाव लड़वा दो, क्योंकि राजा सिंह आपके दुश्मन है। आपके दुश्मन जहां पर एमएलए है, आपके धरसलाम हेडक्वार्टर वहां पर है, आपके हेडक्वार्टर के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। इसका मतलब धरसलाम के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। उसको रोकने के लिए केसीआर को वहां से चुनाव लड़वा दो, तब आपको बीजेपी से गठबंधन है नहीं है, लोगों को पता हो जाएंगे।